हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज सेंटेंसेस। सो सेंटेंसेस सुनते ही आपके मन में ये होता होगा कि सेंटेंसेस होता क्या है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड नो मोर अबाउट सेंटेंसेस। सो व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है, मतलब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है। जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड एक साथ होते हैं, जब उनका मीनिंग निकलता है, तब वो सेंटेंस कहलाता है। सो लेट्स प्रोसीड एंड नो मोर। देयर आर टू पॉइंट्स टू बी नोटेड। दिस टू पॉइंट्स शुड बी नोटेड इन योर कॉपी। फर्स्ट पॉइंट इज A sentence always contain a verb. Verb means action words. मतलब sentence हमेशा verb contain करता है, verb हमेशा contain करता है. And second point, a sentence always begin with capital letter. ध्यान से सुनिए kids. Sentence जो होता है हमेशा capital letter से शुरू होता है और end किससे होता है? Full stop, a question mark, एन एक्सक्लेमेशन मार्क। या तो वो एंड होगा फुल स्टॉप से, या तो क्वेश्चन मार्क से, या तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से। तो ये जो तीन मार्क्स हैं जिनसे वो एंड होता है, उसको और अच्छे से आप लोगों को क्लियर करने के लिए मैं एग्जाम्पल दूंगी। इससे आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स प्रोसीड एंड नो मोर अबाउट दिस मार्क्स बाय एग्जाम्पल्स। सो लेट्स प्रोसीड विद एग्जाम्पल्स। First one, she is my sister. You can see she start S is capital and ends with full stop. Ram is sad. So R of Ram is capital and ends with full stop. What is your name in this? What W is capital letter and ends with question mark. What a beautiful flower in this. What W is capital letter ends with exclamation mark. A sentence have two parts, subject and predicate. Sentence के हमेशा दो part होते हैं। जब दो एक sentence बनता है तो उसके हमेशा दो part होते हैं। एक subject होता है और एक predicate होता है। So let us move forward and know about subject. The subject of the sentence is the person or the thing spoken about. मीन्स सब्जेक्ट वो होता है जिनके बारे में बोला जा रहा है, जिनके बारे में दर्शाया जा रहा है, जिनके बारे में हम बता रहे हैं, वो होता है सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और द थिंग स्पोकन अबाउट, मतलब उनके बारे में बोला जाता है। तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगी, ताकि आपको ये जो सब्जेक्ट है अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स प्रोसीड विद एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल, Russia is a big country. In this sentence, Russia is the subject because इसमें Russia के बारे में बोला जा रहा है, तो वो क्या हुआ? हमारा subject हुआ। Second example, Ram is so happy. In this, Ram is subject in this sentence. राम क्यों? क्योंकि राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम बहुत खुश है। सो लेट्स प्रोसीड विद प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट इज व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और अ थिंग। प्रेडिकेट वो है जो पर्सन और थिंग, जो भी जिसके बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, क्या चीज है, मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। प्रेडिकेट के बारे में और अच्छे से बताने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रोसीड करूंगी। तो लेट्स प्रोसीड विद एग्जाम्पल टू मोर नो मोर अबाउट प्रेडिकेट। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, शीना वोर हर ब्लू फ्रॉक। इन दिस, शीना इज सब्जेक्ट, वोर हर पिंक फ्रॉक इज प्रेडिकेट। स्वान इज व्हाइट इन कलर। I repeat, swan is white in color. In this sentence, is white in color is predicate. क्योंकि swan तो subject हुआ और white in color मतलब उसके बारे में बताया जाए, तो वो क्या हो गया?
प्रेडिकेट हो गया. एंड मेजर पॉइंट टू बी नोटेड एंड मेजर पॉइंट टू बी रिमेंबर एंड नोटेड, द एक्शन वर्ड्स मीन्स वर्ब इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट. आप हमेशा याद रखेंगे ये चीज कि जो एक्शन वर्ड मीन्स जो वर्ब है वो हमेशा कहाँ होंगे, प्रेडिकेट के पार्ट में. कभी वो सब्जेक्ट नहीं हो सकते, वो हमेशा प्रेडिकेट ही होंगे. तो दैट पॉइंट शुड बी नोटेड एंड शुड बी रिमेम्बर. सो नाउ वी विल प्रोसीड विथ वर्कशीट. इन दिस वर्कशीट आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन फॉर यू ऑल एंड यू हैव टू सॉल्व. सो लेट्स प्रोसीड विद द वर्कशीट. सो क्वेश्चन नंबर वन, रीअरेंज दिस वर्ड टू मेक सेंटेंस. जो वर्ड्स दिए हैं उनको आपको रीअरेंज करना है. गलत वर्ड्स दिए हुए हैं उसको रीअरेंज करके आपको सेंटेंस बनाना है. तो पहला वर्ड है, पहला सेंटेंस है, मदर इज अ हर डॉक्टर, लाइक आई फ्रूट टू ईट. सेकेंड क्वेश्चन, वॉट इज सेंटेंस. आई होप यू ऑल विल ट्राई एंड कंप्लीट दिस क्वेश्चंस.